यार मैं शिवांशु स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सोल्यूशन फाइल पर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन को एक सीसीटीवी कैमरा फ़ोन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन को अपने घर पर रख के उसको मतलब एक सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो जो घर पर रहेगा आपका, एक आपके पास जो रहेगा, यानी एक कैमरा एक व्यूअर। तो इसके लिए दोस्तों आपको दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों फ़ोन को लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है फ्रेड कैमरा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दोनों फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको दोनों में यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करके अल्फ्रेड कैमरा दोस्तों टाइप करके सर्च कर देना है। इसे सर्च करने के बाद दोस्तों ये दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा फ़ोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, आपका जो एप्लीकेशन है वह इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है वह इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको इसको ओपन कर लेना है। मैं दोनों फ़ोन में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक कर देना है। दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर आपको अपने ईमेल आईडी का मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वह यहाँ आ जाएगा और उस पर क्लिक कर देना है। अपने ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं अपने ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिससे कि आप अपने कैमरा को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब आप आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने मतलब दोनों कैमरा में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, इसमें डाल देना होम सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको इसको अलाउ कर देना है, मतलब इसको पूरा परमिशन इसका अलाउ करते जाना है। इसके बाद दोस्तों इसको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर इसमें देख सकते हैं दोस्तों दोनों में जो है एक में व्यूअर, ये देख लीजिए दोस्तों ऑटोमेटिक या कुछ हो सकता है आपके फ़ोन में कैमरा आ जाए, हो सकता है व्यूअर आ जाए। तो आपको करना क्या दोस्तों, एक फ़ोन में कैमरा एक फ़ोन में व्यूअर कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं इसमें कैमरा सॉरी मैं इसमें कर देता हूँ कैमरा और इसमें कर देता हूँ व्यूअर, मतलब यह फ़ोन जहाँ जाएगा मुझे पता चलता जाएगा। तो यह व्यूअर है और इसमें देख लीजिए दोस्तों ये जो है कैमरा है और ये व्यूअर, तो इस दोनों को कनेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों को करना क्या, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यूअर में आके दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको कर देना है और पेयर बाई QR कोड। तो यहाँ पे मैं QR कोड इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे कैमरा में दोस्तों जिस फ़ोन में आप देखना चाहते हैं मतलब जिस फ़ोन का आप सीन देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको कैमरा वाले फ़ोन में यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक टू व्यूअर, तो आपको इस लिंक टू व्यूअर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये जो वाला ये स्कैन बार है मतलब जो बार कोड है आपको इसको कर लेना है स्कैन। यहाँ पे दोस्तों मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ। दोस्तों जब आप इसके इसको स्कैन कर लेंगे फिर इसके बाद जब पेयरिंग लेगा फिर इसके बाद जो होगा दोस्तों आपका जो दोनों फ़ोन होगा या आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे आप अपने फ़ोन को मतलब इस या फ़ोन जहाँ जाएगा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लाइव का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसको लाइव कर देना। लाइव बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो यह फ़ोन जहाँ जाएगा वह आपको शो करने लगेगा। देखिए दोस्तों यह फ़ोन जहाँ जा रहा है वह शो करने लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं इस कैमरा को इस फ़ोन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इस फ़ोन को इधर घुमा देता हूँ तो यह फ़ोन जहाँ जाएगा वह चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब आप अपने फ़ोन को एक सीसीटीवी कैमरा फ़ोन की तरह बना सकते हैं। दोस्तों यह फ़ोन अब कहीं भी रहे यह पूरा सिस्टम यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सोइंट सेम पूरा वही दिखाएगा जो इस फ़ोन में चलेगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से अपने फ़ोन को एक सीसीटीवी कैमरा फ़ोन बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब इसे बंद करना चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन है वरना दिखाई दे तो आपको करना क्या है, ये जो कैमरा वाला फ़ोन है दोस्तों इस कैमरा वाले फ़ोन में इस टैब बार में क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला यहाँ से हटा दीजिएगा। जब आप यहाँ से हटा देंगे तो इसमें जो है दोस्तों वह नहीं दिखाई देगा, मतलब अब लाइव से जो दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई देगा। अब कैसे होगा दोस्तों यहाँ पर फिर से देखने के लिए, अब इसमें ऑफलाइन दे रहा है, अब यह कितना भी हो जाए नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, फिर से देखने के लिए दोबारा देखने के लिए दोस्तों इस जो अल्फ्रेड कैमरा आपका बस एक बार टच करके फिर से बंद कर लेना है। जब आप इसे बंद कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइव देने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ऑटोमेटिक लाइव आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जब तक इसे यहाँ से
यहाँ टाइप बार से जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक इसमें शो करते रहेगा। आप यहाँ पर इसे अगर हटा देंगे तो शो करना बंद हो जाएगा। अगर आपका डाटा भी बंद है तब भी आप ऑफलाइन हो जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए ऑफलाइन तुरंत चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन को एक CCTV कैमरा फ़ोन बना सकते हैं।